सो है गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम इम्तियाज एंड आप देख रहे हो जीबी स्मार्ट मेकर। सो गाइस, आज मैं आपको कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग सिखाने जा रहा हूँ। एंड इस वीडियो में जो भी पीएनजी यूज़ होगा उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड प्रीसेट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये हमारा और फोटो इसको हम एडिटिंग करना है, तो इसको सबसे पहले हम इसको लाइट रूम में ऐड कर लेते हैं। तो ये रहा लाइट रूम। ओके, इसके बाद हमने लाइट रूम में इसका थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करना है। ओके, ऐसे लाइट रूम में आ चुका है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा फोटो। और तो वैसे इसके लिए मैंने एक प्रीसेट बना के रखा हुआ है, तो आप लोग भी डिस्क्रिप्शन में जाके इसको डाउनलोड करके अपने फ़ोटो में यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कॉपी सेटिंग कर लेते हैं। उसके सबसे पहले आप थ्री डॉट क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी सेटिंग्स, तो आपको कॉपी सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर सब पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर डन कर देना है। तो ये सारा कॉपी सेटिंग्स हो चुका है। उसके बाद आपने उस पिक्चर पे जिस पे आपने इस प्रीसेट को अप्लाई करना है, तो उसके बाद आपने फिर से यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है एंड कॉपी सेटिंग्स के नीचे ये एक पेस्ट सेटिंग्स, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो गाइस, देख सकते हो एक क्लिक में फ़ोटो एडिट हो चुका है। तो अभी आपने इसका, अगर आपका फेस में ज़्यादा कलर आ गया या आपको बैकग्राउंड में कम आया, तो आपने यहाँ पर कलर्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिक्स पे क्लिक कर, मिक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। तो आपको फेस पे अगर कम आया तो आपको यहाँ पर ऑरेंज को लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ल्यूमिनेंस को थोड़ा बढ़ा देना है एंड सिचुएशन को अपने हिसाब से, आई थिंक ये बेस्ट है। ओके, उसके बाद हम इसको डन कर देंगे। उसके बाद आपने देख सकते हो एक क्लिक में फ़ोटो एडिट हो चुका है। तो अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं स्नैपसीट में। तो हम शेयर टू स्नैपसीट कर लेते हैं। ओके, ऐसे रहा स्नैपसीट। तो वैसे स्नैपसीट में ओपन हो चुका है एंड इसके बाद हमने सबसे पहले इसका जहाँ जहाँ पर ब्लैक ज़्यादा है तो वहाँ पर हमने एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर आपको पेंसिल पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्टिव टूल, तो आपने सिलेक्टिव टूल पर क्लिक कर देना है एंड फोटो को जूम करना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरा थोड़ा काला है, तो मैं यहाँ पर इस पे रख देता हूँ। रखने के बाद इसको हम छोटा बड़ा कर देता हूँ जितना फ़ोटो के हिसाब से, तो आई थिंक ये बेस्ट है। तो यहाँ पर मैं इसका ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ एंड इसका हमने कॉन्ट्रास्ट छोड़ो सिचुएशन को कम कर देना है एंड ये स्ट्रेच को थोड़ा कम कर देना है। उसके बाद आपको जहाँ जहाँ पर आपको कम लगे आप लोग कर दें। उसके बाद मैं यहाँ से डन कर देता हूँ एंड फिर से आपको यहाँ पेंसिल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक मिलेगा डबल एक्सपोजर, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड फोटो आएगा, तो आपने यहाँ से फ़ोटो को ऐड करना है। तो मैं यहाँ से एक पीएनजी को ले लेता हूँ यहाँ से, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये रहा वो पीएनजी। तो अभी हम इसको छोटा बड़ा कर लेते हैं, आई थिंक ये बेस्ट है एंड इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर स्क्रीन स्क्रीन पर सही है। स्क्रीन करने के बाद आपको यहाँ पे डन कर देना है। डन करने के बाद देख सकते हो बिफ़ोर एंड आफ्टर एंड उसके बाद आपको यहाँ पर इसको शेयर करना है ऑटोडेस्क में, क्योंकि आपका फेस स्मूथ करना है। तो हम ऑटोडेस्क में इसको शेयर कर लेते हैं। तो बस ये ऑटोडेस्क में आ चुका है, तो अभी हमने इसका फेस स्मूथ करना है। तो आप देख सकते हो फेस को, तो अभी हमें इसको स्मूथ करना है। स्मूथ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पेन मिल जाएगा ऑप्शन बहुत सारे, तो आपको यहाँ पर सबसे नीचे आना है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको ये रहा, ये वाला ब्रश ले लेना है एंड सेटिंग भी क्लिक कर देना है। सेटिंग भी क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो सेटिंग को इतना रख देना है, तो साइज़ अपने हिसाब से रख दें। उसके बाद यहाँ से सही कर दें एंड इसको जूम कर दें, पिक्चर को फुल जूम कर दें एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप अपने हिसाब से साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इतना रख देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर गोल गोल फेस के ऊपर अप्लाई कर देना है, तो ऐसे ही आपका फेस स्मूथ हो जाएगा बहुत ही आसानी से।
तो आप लोग देख सकते हो किस तरह से स्मूथ हो रहा है, तो आप लोग भी इसी तरह से स्मूथ कर सकते हो फेस को। तो मैं कर देता हूँ, इसको मैं इतना रख देता हूँ। इसको आपने गोल गोल घुमाना है, जहाँ पर वाइट है वहाँ से ब्लैक की तरफ, तो यहाँ पर वाइट है तो मैं यहाँ से ब्लैक की तरफ ले जाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो किस तरह से फेस स्मूथ हो रहा है। तो आपने इसको आराम आराम से कर देना है ताकि आपका फेस बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो जाए। अभी मैं जल्दी कर देता हूँ वरना वीडियो बहुत ही लंबा होगा। ठीक है, आप लोग ने आराम आराम से करना है, उस हिसाब से आपका फेस अच्छे से स्मूथ होगा। तो अभी मैं जल्दी कर लेता हूँ। सो गाइस, देख सकते हो आपका फेस किस तरह से स्मूथ हो चुके हैं, तो बहुत ही अच्छे से स्मूथ होते हैं इस तरह से। तो आप भी इसी तरह से करें। तो उसके बाद हम इसको सेव कर देना है। सेव करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा शेयर, तो आपको यहाँ पर सेव टू गैलरी कर देना है, तो आपकी गैलरी में फ़ोटो सेव हो जाएगा। तो बस आज के लिए बस यही तक। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो यार आज के लिए बस यही तक, मिलते हैं हर किसी नेक्स्ट वीडियो में।